हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज आशीष कुमार फ्रॉम श्री रावतपुर सरकारी यूनिवर्सिटी। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल गियर। डिफरेंशियल गियर क्या है? इसको हम तो पहले हिंदी में विभेदी गियर भी बोलते हैं। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल में रियर एक्सल में अधिकतर किया जाता है और फोर व्हील ड्राइव में आगे और पीछे, मतलब रियर और फ्रंट एक्सल दोनों में डिफरेंशियल गियर का यूज़ किया जाता है। ये गियर का मेन पर्पस ये रहता है कि हमें जहाँ पे टर्न करना है, गाड़ी को जहाँ भी टर्न करना है वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हमें प्रॉपर वे पे एक टर्निंग प्रोवाइड करता है। अगर हम डिफरेंशियल गियर का यूज़ नहीं करेंगे तो कोई भी व्हीकल हो वो अगर स्ट्रेट पोजीशन पे तो स्ट्रेट रोड पे तो अच्छे से चल जाएगा, लेकिन जहाँ वो टर्न करेगा वो प्रॉपर टर्निंग ना लेके वो पलट जा सकता है या फिर कहीं भी गिर सकता है, क्योंकि उसे टर्निंग नहीं मिल पाएगा। इसके लिए हम डिफरेंशियल गियर का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो प्रोपेलर शाफ्ट होता है ये होता है डायरेक्ट हमारे इंजन से कनेक्ट होते हैं। इंजन से जो पावर मिलता है उसको गियर बॉक्स के थ्रू प्रोपेलर शाफ्ट को मिलता है। जो पावर प्रोपेलर शाफ्ट को प्रोवाइड होता है वो रियर एक्सल में ले जाकर हमको उसका रियर एक्सल में वो पावर हमको प्रोवाइड करते हैं। किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ये प्रोपेलर शाफ्ट है, यहाँ से पावर जो होता है ट्रांसमिट होकर क्राउन व्हील पे आता है। क्राउन व्हील में आने के बाद यहाँ पे चार गियर होते हैं, ए बी सी डी, मैंने यहाँ पे नेमिंग कर दिया है। ये चार पिनियन गियर्स होते हैं। पिनियन गियर्स जो होते हैं, दो गियर तो ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली पीछे के रियर एक्सल पे कनेक्ट होते हैं, डायरेक्टली ये रियर एक्सल पे होते हैं। और सन गियर से ये दो जो बचे गियर होते हैं, जैसे कि मान के चलिए ए और ये बी है, तो ये और ए और बी जो होते हैं क्राउन व्हील्स के साथ कनेक्ट होते हैं। क्राउन व्हील के रोटेशन के हिसाब से ये अपने हिसाब से रोटेट करते हैं। जैसे कि ये अगर इस मोमेंट पर रोटेट कर रहे हैं क्राउन व्हील, तो ये इस डायरेक्शन पर रोटेट करेंगे। आप देख सकते हैं कैसे रोटेट करेंगे, दोनों अलग अलग ये ऐसे रहेंगे, तो ये इस तरीके से रोटेट करेंगे। ये छोटे गियर्स होते हैं जिनको हम पिनियन गियर्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जब भी हम टर्न लेते हैं, जैसे कि मान के चलो हम एक टर्न ले रहे हैं, यहाँ पे एक गियर मान के चलते हैं, इसको हम ए दे देते हैं और ये बी, दो व्हील्स हैं जिसमें से ए व्हील्स ये बी हो गया और यहाँ पे ए टर्न कर, मतलब कार जो है जैसे ही टर्न लेता है तो ए और बी, ये जैसे हम देख रहे हैं, आप फ्रंट से देख पा रहे हैं, ए और ये बी दो व्हील्स हैं। अगर हम देखें कहीं भी टर्निंग ले रहे हैं तो ए जो व्हील्स है उसको कम जगह पे उसको टर्न करना है, और बी जो रहेगा उसके लिए क्या रहेगा, दूरी जो रहेगी ज्यादा रहेगी। मतलब सीधी सी बात है कि ए जो व्हील है उसको कम रोटेशन चाहिए और बी वाले व्हील को ज्यादा रोटेशन चाहिए, मतलब इसके आरपीएम, ए का आरपीएम कम और बी का आरपीएम अधिक होना चाहिए। इस कंडीशन में ही हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे टर्न ले सकते हैं। इसको यही जो मूवमेंट, ये जो टर्न होता है, इसी को डिफरेंशियल गियर हमको प्रोवाइड करता है, जो व्हीकल को प्रोवाइड करता है। इससे क्या होता है, जैसे हम मान के चलते हैं ए 1000 RPM से रोटेट कर रहे हैं और बी 1000 RPM से रोटेट कर रहे हैं, तो ये दोनों व्हील्स जब स्ट्रेट रोड पे रन करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जब ये टर्न करेंगे, मान के चलो जैसे कि ये कहीं भी हमको मोड़ आ गया, वहाँ पे क्या करेगा, जैसे कि ये व्हील का टायर है, जैसे कि एक टायर की, ये दोनों आरपीएम के जैसे कि हिसाब से मान के चलो 800 RPM, मतलब इनर व्हील जो रहेगा ये जो है 800 RPM से रोटेट कर रहा है, तो इसका जो पावर है बचा हुआ पावर जो 1000 में से 200 RPM बच गया, वो जाके ऐड किस में हो जाएगा, बी में, तो ये क्या हो जाएगा 1200 RPM। ये इस तरीके से इसमें वर्क होता है, मतलब डिफरेंशियल गियर इस तरीके से वर्क करता है कि इनर व्हील को कम रोटेशन और आउटर व्हील को अधिक रोटेशन से आरपीएम से स्पीड प्रोवाइड करता है और हमको प्रॉपर टर्निंग प्रोवाइड करने लगता है। तो हम देखिए, जो इंजन से पावर मिलता है हम उसको डायरेक्ट रियर एक्सल पे नहीं दे सकते,
अगर हम ऐसा करते हैं तो हमको प्रॉपर टर्निंग नहीं मिल पाएगा, हम कहीं भी टर्न नहीं कर पाएंगे और वहाँ पे एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा। तो उस एक्सीडेंट को दूर करने के लिए हम डिफरेंशियल गियर का इस्तेमाल करते हैं। इस डिफरेंशियल गियर में यही बताया गया है कि प्रोपेलर शाफ्ट जो है इंजन का जो पावर है क्राउन व्हील को प्रोवाइड करता है। क्राउन व्हील जो रहता है ये बिहाइंड गियर जो होते हैं जो अपने हिसाब से रोटेट करते हैं, एक डिफरेंशियल गियर होता है जो प्रोवाइड करते हैं, और ये दोनों चक्कों को हम कहीं भी टर्न करने के लिए अपने हिसाब से टर्न कर सकते हैं। ये डिफरेंशियल गियर का वर्क होता है। मेन पर्पस है टर्निंग में हम डिफरेंशियल गियर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया। ठीक है, थैंक यू।